एवरीवन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे यहाँ पर ब्रेकफास्ट हो रहा था प्रॉपर देसी नाश्ता ये कुछ ग्रिल चिकन किया हुआ था साथ में निहारी थी साथ में कीमा था और सैलड कटा हुआ एंड साथ जूस वगैरह उसके बाद गाइस ये आइसक्रीम वैनस घर के बाहर बहुत आजकल आती हैं बिकॉज़ यू नो इट्स समर टाइम वैसे अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं रही है लेकिन ये आते हैं और फिर बच्चे जब विंडो से देखते हैं तो बच्चे कहते हैं कि उनको आइसक्रीम खाने है और फिर मैं कुछ चेंज वगैरह दे देती हूँ अपने बच्चों को किसी ना किसी एक को भेज देती हूँ मैं तो फिर वो आइसक्रीम हम सब के लिए ले आते हैं यहाँ पर कुछ स्टफ़ ग्रोसरी जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मैं सोट आउट कर रही थी और इसमें मोस्टली जो है बच्चों की चीज़ें थी बिकॉज अभी बच्चे घर पर हैं तो फिर अभी सिर्फ बच्चों का ब्रेकफास्ट एंड डिनर नहीं बच्चों का लंच और उनका स्नैक टाइम यू नो उसके बाद फिर जो उनका बच्चों का टी टाइम होता है सब कुछ आपको पास अवेलेबल रखना पड़ता है बिकॉज़ छुट्टियों में आ, बच्चे जो हैं वो सारा दिन घर पर होते हैं तो हमें बच्चों के लिए सब कुछ यू you नो know, स्टॉक वगैरह सब भर के रखना पड़ता है और ये वली फिश मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं ये फ्रोज़न फ़िश है और ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है खाने में इसको मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ और ये है कि काफ़ी ज़्यादा मज़े की है ये खाने में और उसके बाद फिर ये आ, प्याज और गार्लिक वगैरह और ये फिर बिन बैग्स और, और भी काफ़ी मज़े के आए हुए हैं मीठे हैं और फिर उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को कॉर्नफ्लेक्स बना के दे रही थी उन्होंने अपने लिए ये ब्राउन वाले कॉर्नफ्लेक्स रखे होते हैं मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद मैं अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स जो हैं वो ओरिजिनल वाले वाइट वाले रखती हूँ और फिर उन आ, मेरे हस्बैंड जो है वो बीच में कोई लाइक शुगर भी नहीं ऐड करते जस्ट ठंडा मिल्क ऐड करते हैं बीच में और मैं जो हूँ मैं ये जो सीरियल होता है ये मैं गर्म दूध में खाती खा लेती हूँ ठंडे में मैं नहीं खा सकती मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और गाइस मुझे काफ़ी बार इंस्टाग्राम पर भी ऐसे मैसेजेस आए हैं कुछ सिस्टर्स मुझसे कहती हैं कि आप हर वक्त खुश रहती हैं आपके व्लॉग्स बहुत एंटरटेनिंग होते हैं तो आपकी और आपके हस्बैंड की लड़ाई नहीं होती क्या तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि किसी कपल में लड़ाई ना हो ऑफ कोर्स लड़ाई होती है हर कपल में होती है मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ही कोई ऐसा कपल होगा जिसमें बिल्कुल ही लड़ाई नहीं होगी और बिल्कुल ही प्यार ही प्यार होगा क्योंकि जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार भी होता है और लड़ाई होती है हमारी भी होती है और छोटी छोटी बातों को लेकर होती है ये नहीं कि बहुत बड़ी कोई बात हो जाएगी नो no. बहुत छोटी छोटी बातों की तरह बच्चों वाली बातों पर लड़ाई हो जाती है और हमारा ये भी है कि हम फौरन थोड़ी देर अगर एक दूसरे से नाराज़ होंगे तो फौरन से ना हम एक दूसरे को मना भी लेते हैं और मोस्टली जो है मेरे हस्बैंड ही मुझे मनाते हैं मैंने तो मुझे लगता है बहुत कम ही मनाया होगा लेकिन हम जो लड़कियाँ होती हैं हमें भी मनाना ही चाहिए क्योंकि यू you नो know, शोहर जो होते हैं उनके पाओं के नीचे जन्नत होती है तो हम ऐसा करती हैं कि हम ज़्यादा नखड़े में बैठ जाती हैं कि ओ हमारे हस्बैंड ही है, हमें मनाए बस मेरे में ये है ना कि जब अगर मैं नाराज़ हूँ मेरी लड़ाई हो तो फिर मैं फिर मुझे पता होता है मेरे हस्बैंड मुझे मना लेंगे तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने सॉरी बोला हो या फिर आ, मैंने आ, मनाया हो लेकिन देखें ना गुस्सा सभी को आता है और आई थिंक सभी कपल्स में लड़ाई होती होगी होती है इनफैक्ट होती है लड़ाई लेकिन आ, आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ता है और दूसरी बात यह है कि जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना तो आई थिंक फिर लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो जाती हैं क्योंकि अगर आप ये सोचो कि बच्चों बच्चों के लिए ये बिल्कुल अच्छा नहीं होता यू नो अगर बच्चों के आगे उनके पेरेंट्स लड़ते हैं तो इट्स नॉट गुड बच्चों के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों के जहन के ऊपर उनके दिमाग के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है और अक्सर वो बच्चे बहुत गुमसुम रहते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं Uh, मैंने नोटिस किया है वो बच्चे बहुत ज़्यादा गुमसुम रहते हैं यू you नो know, वो खुश नहीं रहते क्योंकि अगर आप घर में खुश होंगे आप यू you नो know, एक अच्छा माहौल आपके घर का होगा तो उसका असर बहुत ज़्यादा आपके बच्चों पर पड़ेगा तो जब बच्चे नहीं होते फिर तो आपस में जो भी होता है uh, फिर भी उसको सोर्ट आउट करना चाहिए लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं फिर तो आपको बहुत ज़्यादा यू नो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है यू you नो know, कोई भी बात बड़े से बड़ी भी बात आपको uh, बर्दाश्त करनी चाहिए और बच्चों के बारे में ही सोच के ना वो uh, फिर इस तरह से और उसके बाद गाइस फिर हम बाहर आ गए थे और ये पहलवानदार डेरा रेस्टोरेंट पर आए थे और इनकी हलीम बहुत मज़े का होता है इनका निहार भी इनका बहुत मज़े की होती है और इनके पाए भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं सभी सालन इनके बहुत मज़े के होते हैं और हमने ऑर्डर किया था मैंने हलीम अपने लिए ऑर्डर किया था और मेरे हस्बैंड ने अपने लिए पाए ऑर्डर किए थे और उसके साथ फिर यहाँ पर जो काम कर रहे थे ना वो अच्छा यहाँ पर मैंने नोटिस किया रेस्टोरेंट्स वग़ैरह पर लोगों ने ना काफ़ी ओल्ड एज के बंदे रखे हुए हैं ना वेटर जो उन्होंने रखे हुए हैं तो यहाँ पर अम, फिर वो आए वो बेचारे हमारे लिए ये सब लेकर आए और फिर चटनी नहीं थी मेंट की तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला इनको बोलें कि वो भी ला ले आएँ तो फिर वो गए वो लेकर आए फिर काफ़ी इस तरह दो तीन बार उन बेचारों को ना जाना पड़ा कुछ ना कुछ लाना पड़ा तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स पे रेस्टोरेंट्स पे बहुत ज़्यादा यू नो ओल्ड एज के बंदे भी उन्होंने रखे हुए हैं वेटर के काम के लिए बस ऐसा है ना कि इतनी ज़्यादा महंगाई होगी है इस कंट्री में इतनी ज़्यादा महंगाई होगी है कि अभी ना हर एज के बंदे काम करते हैं जॉब लाजमी करते हैं और यूके में तो लड़कियां लड़के यू you नो know, बड़ी एज के भी जो मर्द औरतें हैं सभी काम करते हैं और फिर जाके गुजारा होता है फिर जाके आपका घर चलता है ऐसे तो गुजारा ही नहीं होता है उसके बाद मैं फिर प्राइमार्क पर आ गई थी और इन्होंने काफ़ी नाइस ड्रेसेस लगाए हुए थे यहाँ पर ये वाला जो ड्रेस लगे हुए थे एक तो बेज कलर में था और एक ब्लैक कलर में था ये एटीन पाउंड्स में लगा हुआ है मुझे काफ़ी अच्छा लगा सिर्फ इसकी ना हाफ़ स्लीव्स थी अगर इसकी लॉन्ग फुल स्लीव्स होती ना तो मैंने ये ले लेना था और प्राईमार्क के जो ड्रेसेस हैं ना जो लेडीज़ के लगे हुए हैं बहुत ही प्यारे हैं उन्होंने लगाए हुए हैं और प्राईमार्क भी चीप नहीं रहा गाइस अगर आप प्राई मार्क में भी जाते हो ना आप शॉपिंग करते हो तो एटलीस्ट आपके 150 या 200 पाउंड तक तो आपके लग ही जाते हैं अगर आप कुछ भी छोटा मोटा भी ले लो और काफ़ी नाइस सैंडल्स वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए थे थोड़ी तो सी मैंने वीडियो बना ली मैंने कुछ वली बब्बा का स्टाफ लिया था वली बब्बा के वेस्ट्स और इनके बेबी ग्रो वेस्ट वगैरह और बच्चों की सॉक्स ली मैंने और मैंने अपने लिए टू स्कॉफ्स लिए थे यहाँ से टू फॉर फोर पाउंडस के लगे हुए थे और बस यही कुछ यहाँ से मैंने लिया और बस तो इसी वाली बाबा का स्टाफ मुझे चाहिए था बिकॉज जब बच्चे इस एज में होते हैं ना तो उनको सब कुछ बहुत जल्दी छोटा छोटा हो जाता है बहुत जल्दी लाइक like वो बढ़ना जब शुरू करते हैं ना जब हाइट वगैरह करते हैं और थोड़ा बढ़ना शुरू करते हैं तो फिर हर कुछ कपड़े बहुत छोटे हो जाते हैं तो गायज़ यही था आज का व्लॉग उसके बाद बस फिर फ्रेश जूस पिया था ऑरेंज का और फिर घर चले गए थे अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए और गायज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़